आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं रचना बंसल। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में 87 घंटे करीब बचे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही ताबड़तोड़ रैलियां करके गुजरात जीतने की कोशिश में है, लेकिन जनता के मन में क्या छिपा हुआ है यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको गुजरात के अलग अलग जिलों में जा रहा है और जनता के मन की बात से वाकिफ करा रहा है। आज इंडिया न्यूज गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ के भुज में पहुंचा है। भुज में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, आइए जनता के बीच इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। कच्छ जिले के मांडवी में एक शादी समारोह में हम शामिल हुए हैं और ये लोहारा समाज की शादी है। और जब गुजरात आवे छे राजीव तो किस्सा कुर्सी के लावे छे इस बारात की छटा गुजरात को रिप्रेजेंट करती है। उसी पगड़ी में मैं भी सजाऊं जिसमें यहाँ पर तमाम लोग हैं, सब अपनी खुशियों में सराबोर हैं। ये रंग बताता है गुजरात का, ये रंग बताता है गुजरात के जश्न का। और इस सब में लोगों के साथ इन शादी की खुशियों में तो हम शामिल हैं, साथ ही लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर लोग जो ये शादी में शामिल हैं वो आगे आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं गुजरात में, गुजरात में क्या होने वाला है इलेक्शन में। गुजरात में बीजेपी आने वाले हैं। बीजेपी क्यों? मोदी ने विकास किया इसलिए। किया मोदी ने विकास? पक्का पक्का। क्या किया है? मोदी विकास कर सकता है और कोई नहीं करेगा। ओनली मोदी। शादी में मजा आ रहा है और लड़के के पिता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होगा? बहुत अच्छे दिन है। बहुत अच्छे दिन आएंगे, इशारा समझिए, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। किसका जोर है? जरूर 100% जिसका अच्छे दिन आएंगे। मोदी 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 सिर्फ मोदी है, तमाम लोग यहाँ पर है। लोगों से बात करते हैं, थोड़ा अंदर आ जाइए और यहाँ देखते हैं लोगों को कि किसका जोर है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी। और यहाँ पर दूल्हे महाराज सामने हैं। गुजरात इलेक्शन में जोर किसका है? गुजरात इलेक्शन में जोर मोदी का जोर है। मोदी का जोर है। क्यों, क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने क्या किया? अरे मोदी ने अपना यूपी इलेक्शन जीते तो मोदी का जोर हो गया। ये यूपी इलेक्शन का असर पड़ा है। गुजरात में क्या होने वाला है इस बार इलेक्शन में? वही नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या किया ऐसा? बस वो जो कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता। आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा दिखाई दे रहा है उसके जैसा नेता दिखाओ कुछ ऑल ओवर इंडिया में। रूपाणी वोट क्यों नहीं मांगते है? आनंदी बेन पटेल वोट क्यों नहीं मांगती? मोदी को क्यों आना पड़ता है? मोदी जो कर रहा है देश के लिए वो आज मेरे हिसाब से कोई दुनिया दिखाओ भारत में कोई ऐसा नेता। गुजरात इलेक्शन में इस बार क्या हो सकता है, कौन जीतेगा? कुछ बोल नहीं सकते। वोट देंगे जरूर। वोट जरूर देंगे। गुजरात इलेक्शन में क्या हो सकता है इस बार, आप वोट तो देंगे? बीजेपी। दूल्हे महाराज ने भी कह दिया, दूल्हे महाराज ने भी मोदी कह दिया है। तमाम लोग यहाँ पर मोदी का नाम ले रहे हैं। ये गुजरात का कलर है जो यहाँ पर मांडवी की सड़कों पर छाया हुआ है और ये बता रहा है कि इशारा किस तरफ है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भुज के चौराहे पर। हमारे एक तरफ इस तरफ अगर देखें तो हमीरसर लेक है, बहुत पुरानी लेक है जो कि भुज की एक पहचान है और तमाम लोग इसके किनारे आकर अपनी शाम को एंजॉय करते हैं। इस तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत पुराना अल्फ्रेड हाई स्कूल है जिसको कि अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और स्कूल इसके ठीक पीछे है। काफी पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर लोगों से ये जानना है एक खास बात कि आखिर गुजरात में क्या होने वाला है, गुजरात में विकास हुआ कि नहीं हुआ है। चलिए उन लोगों से बात करते हैं जिनको जिंदगी में काफी अनुभव मिला है और अब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भी वो जी रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं और चलते हैं क्योंकि लेक के किनारे की जगह है। 2001 की बात है जब यहाँ पर काफी एक बड़ा भूकंप आया था, तबाह हो गया था। तब जो हालात थे आज जो हालात है कितना बदला है भुज? बहुत बदल गया है। वो तो क्या है, एक भय था, ऊपर से जो भूकंप आया तो इतना जोरदार आया कि उसका भय इतना हो गया था। अब आस्ते आस्ते सब
ठिकाने पर हो गया है। पानी, सड़कें, रोजगार भुज में कैसा है, कच्छ में कैसा है? भुज में अच्छा है, कच्छ में कहीं कहीं पानी की दिक्कत है, लेकिन भुज में पानी की इतनी दिक्कत नहीं है, पानी के लिए भुज अच्छा है। शायद सबसे बड़ा जिला है, करीब 45,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस पूरे कच्छ में, और कच्छ को संभालना आसान नहीं है। रण है इसमें बहुत बड़ा, इसमें पानी की कमी है, इसमें सड़कों की दिक्कतें हैं, क्योंकि आगे जाकर जो एरिया है, जमीन है, वो असमतल है, पहाड़ी है, टीले हैं, रण है, तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पर। गुजरात में आपको किसी तरह का बदलाव, विकास, ये चीजें दिखी हैं? विकास देख रहे हैं, दिन ब दिन जो पहले था उससे बेटर होता जा रहा है। विकास का, विकास से मायने क्या है आप? रोड है, एजुकेशन है, बिजनेस है, टूरिज्म है, वो सब विकास के एक विंग्स है। सरकार को कितना इसके लिए आप श्रेय देंगे कि सरकार ने यहाँ काम किया है कि नहीं किया? 100% सरकार ने किया है। 2001 का भूकंप हमने देखा है, वो उसके बाद जो उसने जो वर्क किया है वो बेटर ही बेटर ही। चुनाव में बदलाव होगा कि नहीं होगा? I think so, it will happen। यानी बीजेपी अब जा सकती है बाहर, कांग्रेस आ सकती है यहाँ पर, ये आपका कहना है? आपको क्या लगता है यहाँ पर? मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, एक वजह क्यों? बस वो इतनी बड़ी महंगाई है, बहुत तकलीफ है आदमी को। पाटीदार आंदोलन का असर पड़ेगा? यार तो नहीं है इतना पाटीदार का आंदोलन, मगर ये क्या है कि अभी जो GST आया और दूसरा जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसके हिसाब से बेकारी बहुत बढ़ गई है, धंधा रोजगार एकदम गिर गए, तो लोग बेकार हो गए। लगता है बीजेपी आ सकती है कि नहीं आ सकती? बीजेपी तो आएगी ही आएगी, गवर्नमेंट उसके हाथ में है, सत्ता उसके हाथ में है, मशीन चूंटनी के इलेक्शन के जो मशीन है वो भी उसके हाथ में है, सब कैसे चलते हैं वो तो आपको ज्यादा मालूम होगा। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो सारी मशीनें इलेक्शन कमीशन के पास है। नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में, सब गवर्नमेंट के हाथ में है, सब गवर्नमेंट के रखे हुए हैं आदमी, कोई दूसरे बाहर के नहीं है। आपको क्या लगता है? हमको लगता है भाजपा आ जाएगी। कितनी सीटें देते हैं? हम उसको 130 सीटें देते हैं, 130 जीतने। क्या वजह आपको लगती है कि भाजपा आ जाएगी? क्या निचले स्तर पर काम होता दिखा है आपको? नहीं, वो धरतीकंप में भाजपा ने अच्छा काम किया है, इसलिए लोग को लगता है कि भाजपा काम करती है। आपको क्या लग रहा है? 150 प्लस। आप तो अमित शाह के भी अंदाजे को क्रॉस कर रहे हैं। पता है, हम इतने 60 साल के और एल्डर है तो पता तो चले थोड़ा बहुत। हमारे में क्या है, वो एक कहावत है, बाप दिखाओ या साथ करो। आपका बाप हो तो वो दिखाओ, वरना साथ कर दो उसका। वो जो काम किया नीमा बहन ने हमारी यहाँ के दादा सब, वो सब दिखता है सबको, इसलिए वो कोई सवाल ही नहीं होता। गुजराती कहावत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साथ करो, बाप दिखाओ या श्राद्ध करो। अगर बाप है तो सामने दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो, यानी काम हुआ है तो जमीन पे दिखाओ। जी हाँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और ये जेटली का ये प्रकरण है ना, था बैंक का ब्याज एकदम ठप कर दिया है 7.5%। वो हम रोजी रोटी कैसे चलाए इस पर, वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम भाजपा को नहीं मानते हैं। यानी आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार हावी? कुछ बदलाव होना चाहिए, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है थोड़ी। मैं आज पेपर पढ़ा तो उसमें एवी में वहाँ भाजपा जीती, यानी जहाँ बैलेट पेपर है वहाँ विरोध पक्ष वाले जीते, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बैलेट पेपर और ईवीएम, इसको लगाना, इसको तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, कहाँ पर कितना है वो, ऐसा क्यों होता है, इसका रिजल्ट ऐसा क्यों दोनों फर्क आता है? तो उसमें सत्ता पक्ष जीतता है ईवीएम में, और बैलेट पेपर में वो विरोध पक्ष वाले जीतते हैं। गुजरात में लोग आवे छे, क्या होगा अंदाजा बताइए? अंदाजे में तो लगभग ये नफरत का वातावरण उभर करेला है पहले से, तो 110 के जैसी सीट आ जाएगी भाजपा, 110 सीटें भी भाजपा की आ जाएंगी। भाजपा ने काम किया है, जितना बता रहे हैं उतना नहीं किया है जी। और ये भी सही है, भाजपा तो आएगी, लेकिन कम सीटें आना भाजपा को एक इंडिकेशन है कि पब्लिक नाराज है, उनकी मांगे उनकी फेवर में होनी चाहिए। चलिए, इस हमीर से देख के बाहर लोगों का यही कहना है कि आएगी तो भाजपा, इन लोगों का मानना है, लेकिन कम सीटें आएंगी। हालांकि अगर कम सीटें आती हैं तो भाजपा को यह समझना चाहिए कि लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको रोजी रोटी पर सवाल उठा है, तो उनकी नाराजगी जायज है, उनका कहना है। इस बात के चलते वो नहीं चाहेंगे कि भाजपा इस बार
सत्ता में आए। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ राजीव शर्मा, एनए न्यूज, भुज।